business ideas. ये सच है कि बिना लक्ष्य और दिशा के कोशिश और साहस बिल्कुल बेकार है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले फोकस क्लियर होना जरूरी है, और अगर बिजनेस लॉज के संदेह आपको परेशान कर रहे हैं तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैपफॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत के विकास की गति को बढ़ाने के लिए 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है इसीलिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को सफल बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? क्या हम एक व्यवसायी के तौर पर इसके लिए तैयार हैं? इन सभी सवालों को जवाबों का अंजाम देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं बिजनेस लॉज के जादूगर, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्लीज हैव अ सीट। सुनील जी, अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में, अलग अलग लय पर चलने वाले लोग हैं और कॉन्सेप्ट है एक मेक इन इंडिया। कैसे सफल होगा ये? सरकार क्या कुछ कर रही है मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा व्यापार करने की भाषा है पूरे संसार में एक ही है, घटा मुनाफे की भाषा, तो इसलिए वो सबको समझ में आती है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। मेक इन इंडिया अगर हम देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि ईज ऑफ डूइंग जी, दूसरा कंपोनेंट है कि हमारे को जो हमारी क्वालिटी हो प्रोडक्ट की वो अच्छी हो, और तीसरा प्रोडक्ट है कि जो हमारी स्किल्ड वर्क फोर्स है वो उसके लिए अवेलेबल हो। अब इन तीनों में क्या काम किया ये हम देखते हैं। तो पहली कॉन्सेप्ट ईज ऑफ डूइंग अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग में हमारी रैंकिंग सुधरती जा रही है, बिल्कुल पहले से बहुत आगे आगे। और पहली बार हमारे देश में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने स्टेट की रैंकिंग कर दी। उनको एक 98 पॉइंट प्रोग्राम दे दिया गया कि उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी कि कौन सा प्रदेश नंबर 1 पे है, तो कौन सा प्रदेश नंबर 10 पे है, कौन सा नंबर 15 पे है, टू हैव अ क्वालिटी चेक और बेहतर बने, जिससे कि जब बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहा है या हमारा डोमेस्टिक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि मैं लगाऊं तो वो चूज कर सके कि मैं गुजरात में क्यों लगाऊं, आंध्रा में क्यों ना लगा लूं। तो ईज ऑफ डूइंग में जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो गए। पहले 98 पॉइंट का प्रोग्राम था, अब उसे 340 पॉइंट का प्रोग्राम कर दिया गया, सीधा बढ़ाकर 340 जी। इस बात को कभी नहीं दिक्कत आई कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्यों में किसकी सरकार है, सब राज्य आगे आए और उन्होंने अपनी अपनी रैंकिंग सुधारी, जिससे देश की रैंकिंग सुधरी है जी। तो ये सभी का मिला जुला जो है एक एफर्ट है। दूसरा, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया हमारे MSME सेक्टर के लिए। उन्होंने बोला कि आपको जो भी प्रोडक्ट बनानी है उसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए और उसका जीरो इफेक्ट होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी नुकसान की बात यह थी कि हमारी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं थी। हमारी प्रोडक्ट को जैसे ही कोई देखता था बोलता वो मेक इन इंडिया, लेकिन ध्यान से करना भैया, वो एक भरोसे की कमी है, भरोसे की कमी थी। तो वो क्रेडिबिलिटी की कमी के कारण एक उन्होंने नई कॉन्सेप्ट निकाली, उसे बोला कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो अगर हिंदुस्तान में बने तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और उसके लिए वो जो नाके पे चेक बनाए हुए हैं स्टेट वाइज आगे बढ़ने के लिए वो काम देंगे। और साथ में एक रेटिंग भी शुरू कर दी गई। अब जो पहले हम ISO वगैरह लेते थे, अब एक जेड रेटिंग कर दी गई। ओके। तो वो रेटिंग के कारण हमारी प्रोडक्ट अब ऐसी हो जाएंगी, कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो कहीं भी संसार में अगर आप जाएंगे तो मेक इन इंडिया की अगर वो रैंकिंग और वो रेटिंग वाली प्रोडक्ट होगी तो आप बिल्कुल श्योर होंगे कि इसमें कोई कमी नहीं निकल सकती जी। ना तो इसमें कोई डिफेक्ट होगा, ना ही उसे बनाते हुए एनवायरनमेंट पे कोई गलत इफेक्ट पड़ा होगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं कि हमारी कॉम्पिटेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए मेक इन इंडिया के लिए जी, जो कि हमारे देश में एक भारी मात्रा में उपलब्ध है। भारी मात्रा में हमारे देश में अगर हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात करते हैं तो पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। ब्यूटीफुल। जबकि साक्षरता रेट पूरा नहीं है तब भी। इसी प्रकार से अगर हम देखें इंग्लिश स्पीकिंग, US के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। बिल्कुल। तो पूरे संसार में हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी वर्कफोर्स है जी। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि आज की सरकार हमारा जो यूथ है उसकी एनर्जी को पूरी तरह से चैनलाइज कर रही है, और चैनलाइज करने के बाद उसे एक सही मंजिल तक भी लेकर जा रही है। इसका एक साक्षात उदाहरण आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। बेशक। दोस्तों आज के हमारे मेहमान एक सफल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि पिछले 20 सालों से भारत और विश्व के दूसरे देशों के बीच सस्टेनेबल बिजनेस को सुदृढ़ कर रहे हैं। फ्रॉम पब्लिशिंग टू फैशन आईवेयर टू इकोसेंट्रिक टूरिज्म, प्लीज वेलकम द मैन हिमसेल्फ मिस्टर विनीत शर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बैठे। धन्यवाद। विनीत जी, आप जिस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है, और मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ ना आपके लिए एक अच्छी बात है बल्कि हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप मेक इन इंडिया के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। कैसे आप इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ हमें बताएं। मेक इन इंडिया जब ये कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार जब ये अनाउंस किया तो पहला ख्याल ये आया कि हमारी पब्लिशिंग कंपनी को इसको पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जब अनाउंस होता है उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या विजन है और उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एक एंटरप्रेन्योर को क्या लेनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, और इसके बाद हमारी एक कंपनी ओरियोल इंस्पेक्ट्स इंडिया, जिसके तहत हम डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को सेफ्टी आईवेयर सप्लाई करते हैं पिछले 10 साल से। पहले हम कर रहे थे लेकिन दैट वाज बेस्ड अपॉन इम्पोर्ट कंपोनेंट्स को हम इम्पोर्ट करते थे और फिर असेंबल करके हम, लेकिन वैल्यू ऐड बढ़ाया कैसे जाए। मेक इन इंडिया का एक पार्ट ये है कि हाँ अधिकतर वैल्यू ऐड होना चाहिए। हमने उसके लिए यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया दूसरी विश्व स्तर की कंपनियों से और उनसे मिलकर के जो मशीनरी ज़रूरत थी उसमें निवेश किया यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करके जो प्रोडक्ट आज तक इम्पोर्ट होके बन रहा था वो अब यहाँ बनना शुरू हो गया। ब्यूटीफुल। आप कैसे देखते हैं इसको कि जब इस तरह के नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे भारत में मेक इन इंडिया की तरफ काम करने वाले, आपको लगता है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया लॉन्च करी तो उसके पीछे जो हमारा मेन टारगेट था वो ये था कि 2025 तक जो हमारा GDP है उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कुल 16% है। इसको बढ़ा के हम 25% करना चाहते हैं। तो वो तभी संभव हो पाएगा जबकि हमारे जो सारे व्यवसायी हैं कि जो भी हम इंपोर्ट करते थे अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें और यहीं पर उसे असेंबल करें या बनाएं। हमने कुछ व्यवसायियों से बात की थी कि वो क्या समझते हैं मेक इन इंडिया के बारे में और क्या उन्हें लगता है कि हम लोग सही कगार पर चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज। हर साल इंडिया में डेफिसिट बजट रहता है जिसकी वजह से लॉस मेकिंग कंपनीज रहती है, एंड उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द ईयर इंडिया एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। अगर हम मेक इन इंडिया में कई चीज़ें खुद बनाते हैं तो हमारे जो अननेसेसरली इम्पोर्ट्स हैं वो कम होने वाले हैं, उससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू है अपने आप बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स पे अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ा कम होना चाहिए एंड फॉर द कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ इट, एंड मेक इन इंडिया के लिए द लेबर कंस्ट्रेंट जो होता है उसमें थोड़ा छूट मिलना चाहिए, एंड देयर शुड बी मोर फ्री टैक्सेशन जोन्स टू बी अनाउंस्ड। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स चाहिए जिससे कि एक मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे बेनिफिट हो, इम्पोर्टर को जो है वो बेनिफिट ना मिले। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किल सेट डेवलप होगा, और यहाँ पे आने के बाद में अगर हम अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं तो पहले तो हमारी इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, इसको कैटर करेंगे, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप अग्री करते हैं इस बात से कि इम्पोर्टर्स का मुनाफा कम करना चाहिए ताकि मेक इन इंडिया को मुनाफा मिल सके? देखिए, अगर हम किसी प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद होना चाहिए, उस पर ड्यूटी बढ़नी चाहिए, कंपोनेंट का इम्पोर्ट होना चाहिए, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे यहाँ पर सब कुछ बनने लगेगा और जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट पे बनने लगेगा तो हमारा इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इम्पोर्ट कम होने से बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाता है। जो अनूप जी बात कर रहे थे वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि अगर वो इम्पोर्ट बंद हुआ प्रोडक्ट का, जैसे विनीत जी ने काम किया कि यहीं बनाना शुरू कर दिया तो इनका इम्पोर्ट कम हो गया, तो मतलब देश का इम्पोर्ट कम हो गया। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें इम्पोर्ट कम करें तो पैसा बचेगा, लेकिन उल्टा होगा तो पैसा डेफिसिट में हो गया। तो वो डेफिसिट जब खत्म हो जाती है तो देश आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही हमारे एक साहब भी यहाँ पर अभी इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब हमारे मेक इन इंडिया के तहत एक प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलता है तो उसका असर हमें दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी देखने को मिलता है। आप अलग अलग तरह के बिजनेसेस में आप काम कर रहे हैं। जब आप अपने एक प्रोडक्ट को आप मेक इन इंडिया में लेकर आ गए हैं, पूरी तरह से शुमार हो गए, तो आपका जो दूसरा बिजनेस है उस पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं उसे? बिल्कुल। आई मीन पब्लिशिंग में खास करके अभी 10 साल पहले की बात बताता हूँ तो जब उस समय ये बात होती थी कि जो विश्व के दूसरे पब्लिशर्स हैं वो कहाँ अपनी प्रिंटिंग का काम देंगे, वो सिर्फ फार ईस्ट चाइना की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ बड़ी दावे के साथ और खुशी के साथ कि हमारे जो प्रिंटर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ प्राइस मैच किया है, क्वालिटी मैच करी है, और उस वजह से विश्व स्तर पे हम ना सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ ट्रेड डेफिसिट की बात है वो इस तरीके से घट रहा है बिकॉज उसमें कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स की बढ़ रही है। जी, अब जो ये सरकार का कदम उठा है, आप इसको कब तक सफलता तक पहुँचते हुए देखते हैं? देखिए, सफल होना शुरू हो गया है, लेकिन अगर हम ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कोई भी इंडस्ट्री लेके चलते हैं तो वो इंडस्ट्री 18 महीने से लेकर के 5 साल लगते हैं उसे लगने में। हाँ। तो आप उसके लिए सबसे पहले लैंड आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट को अपने आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको प्रोसेस बहुत लंबा समय लगता है। तो अब सरकार जो ईज ऑफ डूइंग में कर रही है वो ये कर रही है कि पहले जिस लाइसेंस को लेने में आपको सालों साल लगते थे, आपको 6 से 8 महीने लगते थे उन सबको अप्रूवल में, अब वो ऑनलाइन हो गए हैं। से लगभग 28-30 अप्रूवल ऐसी हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। जी, तो कुछ काम तो घर बैठे हो गया, कुछ घर बैठे हो गया। तो जो ये हमारा टाइम था कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने में 18 से 5 साल लगते थे, वो अपने आप 6-8 महीने घटता जा रहा है। तो हम इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी व्यवसायी मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक तरह से नेशनल वेस्टेज को खत्म कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट के जब हम लोग बारे में ही सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद देश के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो शायद इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो एक MSME व्यवसायी होता है वो कैसे इसमें शामिल होगा, उनकी कुछ दुविधा है। मैं चाहूँगी आप लोगों के सामने रखें, फिर हम और आगे बढ़ें, प्लीज़। बड़े बिजनेसमैन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, छोटे बिजनेसमैन के लिए हर चीज़ में दिक्कत आती है। इसको एम्प्लॉयमेंट जब वो जनरेट कर रहा है वहाँ भी उसके लिए समस्या है, कभी उसको पूल नहीं मिलता, टैलेंट पूल नहीं है उसके लिए। अगर आप देखें कि क्रेडिट है, क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता। बैंक में अगर माल्या साहब को पैसे चाहिए तो सब लोग देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो इतने कागज़ होते हैं कि हम उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते कागज़ों को। MSME का कहना यह है कि ना तो उन्हें टैलेंट पूल मिलता है, ना उन्हें असिस्टेंस मिलती है, फिर चाहे आप उसे टेक्निकल कहें या फाइनेंशियल कहें। क्या कहेंगे आप, हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन मेक इन इंडिया? नहीं, देखिए, जो MSME सेक्टर है यही मेन है हमारे मेक इन इंडिया में। जी, तो MSME को ऐसा नहीं है कि स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रही, बहुत मिल रही है। और जहाँ तक बात है लोन की, ये ठीक है कि कुछ बड़े बिजनेसमैन को कुछ ज्यादा आसानी से लोन मिलता है, लेकिन MSME को भी अब बहुत आसानी से लोन मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन अब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, और साथ में लोन की इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं जिसमें सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो MSME सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि जो जीरो डिफेक्ट जिसकी एक रेटिंग शुरू कर दी गई है, जिसे हम बोलते हैं ZED रेटिंग। जी, तो वो जेड रेटिंग सिर्फ MSME के लिए है। अच्छा, वो सिर्फ MSME के लिए है। और उसमें एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, जिसकी वेबसाइट है zed.org.in। उसमें करीब 50 कंपोनेंट रखे गए हैं, जिसमें 20 कंपल्सरी कंपोनेंट है और 10 कंपोनेंट और हैं। उन 30 कंपोनेंट के हिसाब से देखा जाता है कि आपकी रेटिंग क्या है। जी, और उसमें 5 तरह की रेटिंग रखी गई है। तो उसमें आपकी अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे आप अपने इस रेटिंग को अचीव करें। पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट सिर्फ MSME सेक्टर के लिए। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि MSME के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि MSME के लिए ज्यादा किया जा रहा है। उनके लिए ज्यादा आसान है मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करना। ये ठीक है, संसाधन कम होते हैं उनके पास, लेकिन स्कीम ज्यादा उन्हीं के लिए। आपसे जानना चाहेंगे हम विनीत जी की, जैसा कि सर कह रहे हैं कि जो MSME है उनके लिए स्कीम ज्यादा है, संसाधनों की भले ही कमी है। आपने भी जब अपना बिजनेस शुरू किया, एक MSME से शुरू करके आज आपका बिजनेस जो है ऊंचाइयों की कगार पर चल रहा है। आप एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस हैं जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि आप हमारे देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिल्ड्रन बुक पब्लिशर। तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप अपने साथ जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मेक इन इंडिया का एक हिस्सा बन जाए। देखिए, पब्लिशिंग में 2 मेन पार्ट्स हैं। एक कंटेंट का पार्ट है, जो कि जब हमारे यहाँ एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रूफ रीडर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं. सो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उस साइड में हो ही रही है. आई मीन ऑफ कोर्स सेल्स वर्कफोर्स रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट जनरेट हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज वही हमारी डील है एक्चुअली. बिल्कुल. और जब वो एक चीज़ तैयार हो गई, उसके बाद वही चीज़ हमें पन्नों पे चाहिए, प्रिंटेड चाहिए. उसके साथ साथ जितने ज़्यादा ऑर्डर, जितनी ज़्यादा किताबें हम अपने देश में बेचेंगे, उतनी ही प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा. बट वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि जब लोग बहुत ही एक अच्छा उनके पास कंटेंट होता है तो वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर विदेश में जाएं और वहाँ के जो सारे अपने प्रोडक्ट को जो एक फाइनल आउटलुक देना है वो वहाँ से देके हम लेकर आएँ, बट आप ये सारी चीज़ें भारत में ही कर रहे हैं. हाँ, वो हम ज़रा दूसरी तरफ से उल्टा आए हैं, क्योंकि हम लोग विश्व के 10 सबसे बड़े प्रिंटर्स के यहाँ अपनी किताबें छाप रहे थे और अभी भी छापते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर दूसरे देशों के लिए या हमारे देश की कंजम्पशन के लिए. लेकिन वहाँ जो सीखा, जो क्वालिटी प्रोसेस सीखा या उनको ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को अगर हम वापस ला करके अपने देश में अपने प्रिंटर्स के साथ मिल करके वो काम ना करें तो फिर मैं समझता हूँ मेक इन इंडिया थोड़ा अधूरा रह जाएगा. और एक चीज़ और मैंशन करना चाहूँगा, कॉन्टेंट अब हमारे पास हमेशा रहा अंग्रेजी में. हमारे पब्लिशिंग हाउस में एक जो मुहिम मैंने चलाई थी वो ये कि हमें अपनी भाषाओं को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही एक सबसे बड़ी धरोहर हमें बच्चों को देनी है. और उसका पहला पन्ना मेरे हिसाब से भाषा का है. और इसलिए हमने पिछले 5 सालों में अब तकरीबन 12 भाषाओं, हिंदुस्तानी 12 भाषाओं में इंसाइक्लोपीडिक मटेरियल और खास कॉन्सेप्ट्स लाइक नो योर स्टेट, बिकॉज अपने देश ही नहीं, पहले अपनी स्टेट के प्रति हमें अपने राज्य के बारे में जाने, बिकॉज आने वाली पीढ़ी, जैसे आपने कहा, बच्चे कल को जब मेक इन इंडिया की बात होगी तो ये नहीं सोचेंगे कि हमें सब कुछ बाहर ही अच्छा मिलता है, वहीं चलते हैं, वहीं से कंपोनेंट्स नहीं लाते, सामान ले आते हैं, तो फिर ट्रेड डेफिसिट का कुछ नहीं हो पाएगा. तो बिल्कुल विनीत जी, मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आप भारत के बच्चों के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो कि हमारे मेक इन इंडिया के लिए बहुत सार्थक होने वाला है, मुझे लगता है. सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके अंदर हमारे देश की संस्कृति को भी डाल रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ पहल है आने वाली उस नस्ल के लिए, ताकि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट अब रन किया गया है ये फ्यूचर एस्पेक्ट में भी उन्हें मदद दे सके? बिल्कुल कर रहे हैं. बल्कि मैं ये कहूँगा पहली बार देश में कर रहे हैं कि पहली बार देश में जो स्टार्टअप इंडिया की कॉन्सेप्ट चालू हुई, मेक इन इंडिया का ही पार्ट है. स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब इसी के पार्ट हैं. पहले लोग क्या डरते थे कि हिंदुस्तान में बिजनेस करना मुश्किल था, मुश्किल है, लेकिन एक बार कर लिया आपने, उससे एग्जिट करना असंभव था. तो पहली बार उनको बोला गया कि हमारी यंग जनरेशन को कि आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई नया आइडिया है, आप उसे इम्प्लीमेंट करो. बिजनेस करना आसान बना दिया, नया एक्ट बना दिया गया कि भाई अब आप एग्जिट भी कर सकते हो. पहले हमारा जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो बाहर चला जाता था, विदेश में, अब नहीं जाएगा. तो बिल्कुल हम इस बात को कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक्चुअली उस चक्रव्यूह को भेद दिया है, जिसकी वजह से अब हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं. बट आई मस्ट से कि जब हम लोग मेक इन इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो भी कहीं हद तक कम हो जाती है. हमारे एक व्यवसायी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक. प्लीज, आज एलईडी लैम्प्स, एलईडी लाइट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एलईडी सारी की सारी चाइना से बन के आती हैं. तो मेक इन इंडिया की हेल्प से ऐसा हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबल कि जो चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगाते हैं वो हम अपने देश में पैदा करें, तो उससे उनकी कॉस्ट कम होगी. हम अभी बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स तो हम मंगा लें, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएं. लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्यों ना ऐसा हो कि रॉ प्रोडक्ट भी हम यहीं पर डेवलप करें. इज़ इट पॉसिबल, या ये बात सिर्फ एक मन घड़त बनकर रह गई है? नहीं, देखिए ये भी पॉसिबल है. हमने सभी कुछ हिंदुस्तान में पैदा करना है. रॉ मटेरियल भी हो सकता है. रॉ मटेरियल तो हमारे देश में बहुत है. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है. हमें सबसे पहले वो काम करना है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एकदम से शुरू कर सकते हैं. जी. उसके बाद फिर वो काम करने हैं, क्योंकि नई इनोवेशन, क्योंकि जो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो विदेशों में बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत R&D की, R&D करके डेवलप किया उसको, और डेवलप करके अपना पेटेंट करा लिया, इसलिए वो लोग बना पा रहे हैं. तो हमारे देश में भी अब उस सब चीजों पर R&D शुरू हो गई है. तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि कुछ साल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा. जी, तो वही आपने जो कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलने की ज़रूरत है। विनीत जी, आपने अपना एक जो हाथ है वो इको सेंट्रिक टूरिज्म की तरफ भी बढ़ाया है, तो उसमें आप क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, वो एक मन से जुड़ी हुई बात थी, जैसे कि कहा कि ज़ीरो इफेक्ट, उस पर हमेशा एक सोच रही है मेरी। बहुत सारे होटल्स ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ कंजम्पशन पैटर्न होता है, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा बिजली की खपत, ज़्यादा पानी की खपत, ज़्यादा साबुन से कपड़े धुले और हो गया। तो हमारे बुटीक प्रॉपर्टीज़ का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप आइए और नेचर के साथ जुड़िए, आप देखिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी कैसे जाती है, और हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं उसे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फार्मर्स ने करना है। और दूसरा, जब आप कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो आपको वापस जाते हुए सिर्फ ये खुशी ना हो कि मैंने बहुत सुंदर पहाड़ देखा, साथ में ये भी महसूस हो कि मैं कुछ कम नुकसान उस पहाड़ का करके आया हूँ। ब्यूटीफुल। एंड आई मस्ट से सुनील जी कि ये भी एक तरह से एक अलग ही किस्म का बिजनेस आइडिया है जिसमें आज के डेट में नए व्यवसायी भी एंटर कर सकते हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। गुजरात से उपेन भाई पटेल हैं, आप कहते हैं कि आप गुजरात में ही एक एमएसएमई यूनिट रन कर रहे हैं, तो क्या इन्हें अपने फैक्ट्री का रेंट पे करने के लिए भी सरकार से कुछ मदद मिल सकती है? उपेन भाई पटेल, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, सिर्फ गुजरात एक इकलौता स्टेट है जिसमें कि इस बात के लिए भी सरकार मदद करती है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप म्युनिसिपल लिमिट के अंदर लगाते हैं तो आपका रेंट का 50% और 50,000 जो कम हो, और अगर म्युनिसिपल लिमिट के बाहर है तो 25,000 रुपये और 50% जो कम हो। दिल्ली से प्रिया दत्त जी हैं, आप कहते हैं कि आप एक एमएसएमई यूनिट लगा रहे हैं बट साथ में ही ये एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, क्या इन्हें आईईसी कोड लेना पड़ेगा, और अगर लेना है तो उसके लिए क्या ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? आपको आईईसी कोड जरूर लेना पड़ेगा, और वो सिर्फ अब ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, DGFT.gov.in, जिसकी 500 रुपये फीस है। और अब हम लोग सवाल ले रहे हैं ऑडियोज के। Hi, I'm Amrita from Chennai. I wanted to ask you a question that if anybody declares part of his or her undisclosed income under IDS scheme, will he get immunity for that part of undisclosed income? जरूर immunity मिलेगी आपको, लेकिन उसी पार्ट पे मिलेगी जो पार्ट आपने डिस्क्लोज कर दिया। जो पार्ट डिस्क्लोज नहीं किया उस पर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा आपको कि आप पूरी इनकम डिक्लेयर करें IDS में। मेरा नाम अजय है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं एक एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ, ये मुझे कहाँ से इजी मिल जाएगा? क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिसके थ्रू मुझे इजीली एजुकेशन लोन मिल जाए? सरकार ने इसके लिए एक वेब पोर्टल बना दिया है जिसका नाम है vidyalakshmi.co.in। इसमें जाके एक सिंगल फॉर्म है जिसको भर के आप मल्टीपल बैंक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। विनीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी व्यवसायिक, हम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हर व्यवसायी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। तो आप, क्योंकि खुद सफल एंटरप्रेन्योर हैं और आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी होंगी, तो आपका सरकार से कोई सवाल है या कोई सुझाव है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो चुन के बोलता हूँ। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे पहला मुद्दा आई थिंक सबके दिमाग में आता है। दूसरा, जब सरकार ये बढ़ावा दे रही है कि चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो बढ़ावा दे रही है कि मेक इन इंडिया से प्रेरित जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बिजनेस मिले, उनको सस्टेनेबिलिटी मिले, लेकिन इस चीज़ को पक्का करने के लिए जो सरकार के बाइंग प्रोसेस हैं वो इस तरीके से उन पॉलिसीज़ को बनाया जाए जिससे कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा हो, ट्रेडर्स को ना हो। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आ जाती हैं टेंडर प्रोसेसेस में कि वो बाहर से प्रोडक्ट ले आई और उन्होंने यहाँ पे अपना मुनाफा ऐड कर करके सरकार को माल बेच दिया। तो ये तो एक पहले ही आई थिंक उस पर कंप्लीट नो लगना चाहिए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सुझाव हैं वो हमारे मंच से हमारी सरकार तक जरूर पहुंचेंगे। अब वक्त हो गया है सुनील जी हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके आज का बिजनेस मंत्र का। किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीढ़ की हड्डी होता है जी, तो अगर हम नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और अब आपको बता दूं विनीत जी, हम लोग आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल, इट्स अ रैपिड फायर। तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब देने हैं, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मेक इन इंडिया व्यवसायियों के लिए एक दुविधा हो सकती है, हाँ या ना? हाँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप किसको ज्यादा एंजॉय करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होना, आसान है, मुश्किल है या असंभव है? मुश्किल है, और उस मुश्किल को हम सभी लोग मिलकर आसान कर सकते हैं। और इनकेस कहीं पर भी बिजनेस लॉस की प्रॉब्लम होती है तो एडवाइस करने के लिए सर तो है ही हमारे साथ यहाँ पर। बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए कुछ खास है। धन्यवाद। दोस्तों, ये सच है कि अगर हमें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को एक टीम बनाकर आगे चलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टीम का हर शख्स इसी तरह से होता है जैसे कि घड़ी की सुई। घड़ी की दो सुई होती हैं, एक तेज़ चलती है, एक धीरे चलती है, लेकिन फिर भी वो आपस में हमेशा कनेक्टेड रहती हैं, साथ रहती हैं, और यही हमारे व्यवसाय में टीम स्पिरिट की ताकत होती है। आज के लिए शिल्पा भावना इस ताकत के साथ आपको छोड़े जा रही है। अगली बार फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज।